Hello everyone. Welcome to a new lecture series on various arthropathies. इस लेक्चर सीरीज में हमने आज तक कवर किया है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटोइड आर्थराइटिस और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाउटी आर्थराइटिस. सो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन. Gout and gouty arthritis. अगर arthritis की हम बात करें तो कुछ arthritis हैं जो कि degenerative है, जिसमें osteoarthritis include होता है, inflammatory arthritis, autoimmune arthritis, जिसमें autoimmune phenomena है, वो है rheumatoid arthritis. और ये तीसरा फॉर्म है आर्थराइटिस का, जो कि जिसमें प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है. तो ये एक्चुअली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. सो गाउट इज अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. गाउट प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मींस गाउट का पेशेंट अगर आता है तो इनमें से एक या तो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट करता है, जैसे कि हाइपर यूरिसेमिया. हाइपर यूरिसेमिया इज इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड. सेकंड इज द पर्सन में एक्सपीरियंस रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट आर्थराइटिस. गाउट का जो पेशेंट होता है वो एक्यूट आर्थराइटिस के रिकरेंट अटैक्स, बार बार अटैक्स को एक्सपीरियंस करता है. और इसमें साइनोवियल फ्लूइड की अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं साइनोवियल फ्लूइड में, उसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं उसका प्रेजेंस पाया जाता है. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो है टोफाई. टोफाई क्या है? इट्स एग्रीगेटेड डिपॉजिट्स ऑफ MSU क्रिस्टल्स इन एंड अराउंड द जॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज. एक्सट्रीमिटीज के जॉइंट है उसमें और उसके आसपास मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इकट्ठा होते हैं, उसको हम बोलते हैं टोफाई. इसके अलावा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेशेंट प्रेजेंट करता है, वो है रीनल डिजीजेस. द पेशेंट में कम रीनल डिजीजेस विच इन्वॉल्व्स इंटरस्टीशियल टिश्यू and blood vessels. And the next is uric acid nephrolithiasis. So gout ka patient in mein se ek ya ek se jyada characteristic leke present hota hai ek physician ke paas. Gout is actually an inflammatory arthritis. Inflammatory kyun bola hai? To dekhiye, इसका मेन, इस डिजीज का मेन बायोकेमिकल हॉलमार्क जो है वो है हाइपर यूरिसेमिया. अब हाइपर यूरिसेमिया वो कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स में, जो कि शार्प नीडल लाइक क्रिस्टल्स है. तो हाइपर यूरिसेमिया रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ दिस मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स. अब ये जो क्रिस्टल्स है वो डिपॉजिट होते हैं जॉइंट्स में. इस क्रिस्टल्स के जॉइंट्स में डिपॉजिट होने पे इंफ्लामेटरी रिएक्शन जो होता है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से ये जॉइंट जो है वो रेड हॉट टेंडर और स्वॉलन हो जाता है. मतलब एक्यूट आर्थराइटिस के सिम्टम्स यहाँ पे आपको, एक्यूट इंफ्लामेशन के सिम्टम्स आपको यहाँ पे जॉइंट्स में देखने को मिलेंगे. अगर ऐसे अटैक्स रिकरेंट आते रहे तो उसको हम बोलते हैं गाउटी अटैक. ऐसे रिकरेंट गाउटी अटैक्स अगर आते रहे तो जॉइंट टिश्यूज जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और पर्सन जो है वो डेवलप, पर्सन उस पेशेंट में डेवलप होगा आर्थराइटिस. सो दिस इज नोन एज गाउटी आर्थराइटिस. अब ऐसा है कि ये क्रिस्टल्स जो है जॉइंट्स के साथ साथ किडनी ट्यूबल्स में भी
डिपॉजिट हो सकते हैं, और ये जब किडनी में, किडनी ट्यूबल्स में डिपॉजिट होंगे, इंटरस्टिशियल टिश्यू में डिपॉजिट होंगे, तो वो किडनी डिसऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए जो लास्ट दो फीचर्स हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई थी, वो क्या है, रीनल डिजीजेस इन्वॉल्विंग इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स एंड यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियसिस। मतलब नेफ्रॉन्स में यूरिक एसिड के जो स्टोन्स है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ये जॉइंट और किडनी ट्यूबल्स में क्यों होते हैं डिपॉजिट? तो जॉइंट में तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक मेन रीजन है, और दूसरा जहां पे भी ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो होता है, बॉडी टेम्परेचर लो होता है, ऐसी कंडीशंस में ऐसा है कि ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। अब अगर हम देखने जाए प्यूरिन का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, तो प्यूरिन कहाँ से आता है? प्यूरिन और पिरिमिडिन्स जो है वो की कंपोनेंट्स है न्यूक्लिक एसिड्स के, डीएनए और आरएनए का मेन की कंपोनेंट्स जो है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन है। अगर किसी भी वजह से बॉडी में सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है और सेल्स के साथ न्यूक्लियस में जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए रहते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है, वो अगर ब्रेकडाउन होते हैं तो प्यूरिन का प्रोडक्शन होता है। अब ये प्यूरिन जो है वो हाइपोक्सैंथिन में कन्वर्ट होते हैं। हाइपोक्सैंथिन ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ज़ैंथिन में कन्वर्ट होता है, और अगेन फिर से ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये ज़ैंथिन जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है, और ये यूरिक एसिड जो है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एक्सक्रीट होता है वो यूरिन के थ्रू होता है, मतलब किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट होके ये यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। तो ये है नॉर्मल प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म। लेकिन अब गाउट में क्या होता है? गाउट में एक्चुअली ये जो यूरिक एसिड है उसका कन्वर्जन हो जाता है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स में, और ये क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट्स में या तो किडनी ट्यूबुल्स में डिपॉजिट होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे होता है? क्रिस्टल फॉर्मेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट वाटर का। देखिए, एक ग्लास लिया, उसमें आपने कुछ टेबल सॉल्ट ऐड किया, और आपने उसी में एक स्ट्रिंग जो है वो ऐसे लटका दिए और उसको छोड़ दिया है। अब क्या होगा, ये सॉल्ट जो है इसमें डिसॉल्व हो गया है वाटर में। जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे क्या होगा, ये पानी जो है, वाटर जो है वो इवोपरेट होगा, इसलिए पानी का अमाउंट कम होगा और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का जो है वो वाटर में इंक्रीज होगा। तो ये शो कर रहा है कि वाटर का लेवल कम हुआ है क्योंकि वाटर इवोपरेट हो गया है और सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है इस वाटर में इंक्रीज हुआ है। लेकिन अब ऐसा है कि ये कॉन्सेंट्रेशन भी, इसकी भी एक लिमिट होगी, हायर लिमिट होगी, एक सेचुरेशन पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि पानी में आप जितना भी वाटर डालोगे पानी में आप इन्फिनिट सॉल्ट डालोगे तो सारा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट तक वो डिसॉल्व होता है और उसके बाद क्या होता है, उससे ज्यादा अगर सॉल्ट उसमें है तो वो क्रिस्टलाइज होने लगता है, सॉलिडिफाई होने लगता है और वो क्रिस्टल्स का फॉर्म जो है वो ले लेता है। तो आप यहाँ पे देखते हैं ये स्ट्रिंग पे, फिर ये जो सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है। तो ये हमने सॉल्ट वाटर का एग्जांपल देखा। यही चीज हमें समझनी है गाउट के रेफरेंस में। गाउट में एक्चुअली क्या होता है, आप सबको पता है द मेन कल्प्रिट, मेन बायोकेमिकल हॉलमार्क इस डिजीज का जो है वो हाइपर यूरिसेमिया है। किसी भी रीजन की वजह से प्यूरिन का या तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है या तो फिर उसका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और ये यूरिक एसिड का अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है वो ब्लड में बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे एक सॉल्ट की वॉटर में लिमिटेड सोल्युबिलिटी होती है, वैसे यूरिक एसिड की भी
ब्लड में नॉर्मल पीएच में, ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या है 7.35 टू 7.4 राइट, तो इस पीएच पे और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और नॉर्मल ब्लड पीएच में यूरिक एसिड की जो अपर लिमिट है सॉल्युबिलिटी की वो क्या है 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विच इज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, अपर लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द यूरिक एसिड इन टू द ब्लड ऑफ नॉर्मल पीएच एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। लेकिन किसी वजह से अगर प्यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ गया या उसका क्लियरेंस नहीं हुआ तो यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो ब्लड में बढ़ता जाएगा। अब ये जब अपर लिमिट है उसकी सॉल्युबिलिटी की, सेचुरेशन पॉइंट है, उसको जब क्रॉस करेगा तब क्या करेगा, यूरिक एसिड में से प्रोटोनायन रिमूव होके वो कन्वर्ट होगा यूरेट में। अब ये यूरेट जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन होके मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स को फॉर्म करता है। तो इसी तरह से क्या होता है, यूरिक एसिड जो है वो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है। अब कुछ फैक्टर्स है जो कि फेवरेबल है इस क्रिस्टल्स के प्रेसिपिटेशन के लिए। अभी क्रिस्टल्स जो हैं वो आइदर जॉइंट्स में या तो फिर किडनी ट्यूबल्स में क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। तो इस प्रेसिपिटेशन को बढ़ाने वाले कुछ फेवरेबल फैक्टर्स है जिसमें ये तीन फैक्टर्स मेन है। फर्स्ट है लो पीएच, जितना पीएच लो होगा उतना प्रेसिपिटेशन इन क्रिस्टल्स का ज्यादा होगा। बॉडी टेम्परेचर जितना लो होगा वो भी एक फेवरेबल कंडीशन मैनिफेस्ट करेगा इस क्रिस्टल्स के डिपोजिशन के लिए। और थर्ड है फैक्टर, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो क्रिस्टल्स हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटीज के स्मॉल जॉइंट्स में क्या होते हैं, वो प्रेसिपिटेट होते हैं, डिपोजिट होते हैं। तो ये तीन मेन फैक्टर्स हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स के डिपोजिशन के लिए। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी गाउटी आर्थराइटिस की। होता क्या है, हाइपर यूरिसेमिया मीन्स इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इनटू द ब्लड, और जब ये उसकी अपर सॉल्युबिलिटी लिमिट क्रॉस करेगा तब क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स में। अब ये क्रिस्टल्स जो है आइदर ड्यू टू ग्रेविटी दे विल डिपॉजिटेड इन टू द और ड्यू टू द लोअर बॉडी टेम्परेचर और स्लो ब्लड फ्लो दे विल गेट डिपॉजिटेड इन टू द जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू। ये क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होंगे। अब जॉइंट्स में जैसे ही ये क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं वहां पे इंफ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब ये इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में होगा क्या, सबसे पहले ग्रेन्यूलोसाइट्स जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट होंगे और ये जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स है उसको फेगोसाइटोसाइज करें, ठीक है। अब इस प्रोसेस में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होगा और ये फ्री रेडिकल्स जो है वो टिश्यूज को डैमेज करेंगे। फ्री रेडिकल्स के साथ यहाँ पे कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोमल एंजाइम्स ये रिस्पॉन्सिबल है जॉइंट के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि लाइसोसोमल एंजाइम की वजह से जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन होगा, आर्थराइटिस होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे रिलीज हो रहा है लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, हाइपर लैक्टिक एसिडेमिया, लैक्टिक एसिड का ब्लड में लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा। अब लैक्टिक एसिड एक एसिड है इसलिए वो ब्लड का पीएच क्या करेगा, लो करेगा, कम करेगा। और हमने फेवरेबल फैक्टर्स में देखा कि पीएच जब भी लो होता है तब ये ट्रिगर करता है ये क्रिस्टल्स के प्रेसिपिटेशन को। तो लैक्टिक एसिड की वजह से ज्यादा और ज्यादा क्रिस्टल्स वहां पे
डिपॉजिट होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे, और क्रिस्टल्स जितने ज्यादा डिपॉजिट होंगे उतनी उतना ही ज्यादा इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। इसीलिए जो जो भी जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो एकदम एक्यूट इन्फ्लेमेशन की साइंस वहां पे आपको देखने को मिलती है। जो जॉइंट जो होता है वो रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, टेंडर हो जाता है और स्वोलन हो जाता है। वहां पे मोशन जो होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये है गाउटी आर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। अब ये तो पता चल गया कि ये मेनली प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, लेकिन ये हाइपर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है और उसमें हाइपर यूरिसेमिया ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसके कॉजेस क्या है, हाइपर यूरिसेमिया क्यों होता है? तो इसके जो कॉजेज है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, या तो फिर उसका एक्सक्रीशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, कम हो पा रहा है। मेटाबॉलिक कोई भी डिसऑर्डर होता है तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना मतलब आइदर वो चीज ज्यादा प्रोड्यूस होती है या तो उसका एक्सक्रीशन ठीक से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और दूसरा उसका क्लियरेंस ठीक से नहीं हो रहा है। तो दो टाइप्स के कॉजेज होंगे। फर्स्ट ही इंक्रीज प्रोडक्शन के कॉजेज। इंक्रीज प्रोडक्शन के कॉजेज भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप ज्यादा ले रहे हो, ठीक है, कंज्यूम ज्यादा आप कर रहे हो, मतलब प्यूरिन रिच डाइट आप ले रहे हो। तो प्यूरिन रिच डाइट कौन से हैं? ऑल ऑर्गन मीट सच एज लीवर, किडनी एक्सेट्रा, कोई भी मीट आप खाते हो तो वो प्यूरिन रिच होता है। तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हो तो इट विल कॉज हाइपोयूरिसेमिया। सेकंड इज बियर एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। थर्ड इज बीन्स, लेंटिल्स, पीस, ओटमील, सी फूड, इवन मशरूम, कॉलीफ्लावर, स्पिनेज, एस्परेगस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये सारे प्यूरिन रिच डाइट है जिसका रेगुलर कंजम्पशन जो है वो कॉज करेगा हाइपर यूरिसेमिया को, यूरिक एसिड का ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। अब सेकेंड चीज ऐसी है कि कीमोथेरापी एंड रेडिएशन, ये जो है वो भी यूरिक एसिड का ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। कैसे? तो कीमोथेरापी, रेडिएशन, इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज होते हैं, जो जिससे क्या होता है, सेल्स का डिस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है। तो सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा तो ऑफकोर्स उसमें जो जेनेटिक मटीरियल है, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए आरएनए, उसका डिस्ट्रक्शन होगा तो प्यूरिन का ज्यादा प्रोडक्शन होगा। प्यूरिन का ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हाइपर यूरिसेमिया कोज करेगा। ठीक है, तो ये तो कोजेस हो गए इंक्रीज प्रोडक्शन के। थर्ड फैक्टर इंक्रीज प्रोडक्शन में है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। और सेकेंड ग्रुप अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे कॉजेज इन्वॉल्व होते हैं जिससे यूरिक एसिड का क्लियरेंस जो किडनी के थ्रू होता है वो डिक्रीज्ड हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब ठीक से क्लियर हो नहीं पा रहा है यूरिक एसिड, यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका ब्लड में अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसमें फोरमोस्ट कॉज है, सबसे पहला कॉज है डिहाइड्रेशन। अगर आप इनफ अमाउंट में वॉटर का कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, वाटर नहीं पी रहे हो, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन में आप चले जाओगे, और डिहाइड्रेशन में चले जाओगे तो ऑफकोर्स यूरिक एसिड को क्लियर करने के लिए फ्लूइड तो चाहिए ना किडनी को, वो फ्लूइड उसको इनफ अमाउंट में मिल नहीं रहा है। और जैसे कि डायुरेटिक्स आपने कुछ ड्रग्स ले रहे हो तो इससे भी क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जल्दी से फ्लूइड जो है वो लॉस हो रहा है। और ऐसा है कि यूरिक एसिड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्लड में बढ़ जा रहा है। अब ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि उसका ये डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी आगे प्रवोक कर रहा है।
और कोजेस भी अगर हम देखने जाए तो क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर कोई भी क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर है तो किडनी का ही काम है यूरिक एसिड को फिल्टर करके यूरिन में एक्सक्रीट करना. अगर किडनी डिजीज है तो ठीक से फिल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक से एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक कोज है हाइपर यूरिसेमिया का. कुछ मेडिकेशंस जैसे थियाजाइड जो कि डायबिटिक है, एस्पिरिन, ये सारे मेडिकेशंस जो है वो भी उसका एक्सक्रीशन जो है यूरिक एसिड का उसको कम करते हैं. और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, ओबेसिटी, ये कुछ डिसऑर्डर हैं जो कि एज अ रिस्क फैक्टर काम करते हैं इस डिजीज में. तो हाइपर यूरिसेमिया के कॉजेस को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी हाइपर यूरिसेमिया और सेकेंडरी हाइपर यूरिसेमिया. प्राइमरी हाइपर यूरिसेमिया जो है उसके कॉजेस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिक्रीज क्लियरेंस. और वैसे ही सेकेंडरी हाइपर यूरिसेमिया के कॉजेस को डिवाइड करेंगे, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन. तो प्राइमरी कॉजेस की अगर हम बात करें तो वो होता है जनरली एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स की वजह से. और ये एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स जो है आइदर इडियोपैथिक, मतलब फॉर अननोन रीजन इट हैपेंस, और इट मे बी ड्यू टू इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. और अगर रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन की बात करें तो वो भी इडियोपैथिक, मतलब अननोन रीजन की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, या तो ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा. वैसे ही अगर हम सेकेंडरी हाइपर यूरिसेमिया की बात करें तो उनके कॉजेज में इंक्रीज प्रोडक्शन वाले कॉजेज में सबसे पहला कॉज है हिमोलाइटिक एनीमिया. आप सब जानते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी का रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है, सेल्स का ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ज्यादा प्यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा यूरिक एसिड ब्लड में उसका लेवल बढ़ रहा है. सेकंड रीजन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, कार्सिनोमा और सार्कोमा, उसमें हम जो कीमोथेरेपी रेडिएशन देते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का यूज करते हैं, तो ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है वो सेल्स का डिस्ट्रक्शन बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट करते हैं, जो कि अगेन प्यूरिन को बढ़ाता है और हाइपर यूरिसेमिया कोर्स करता है. वैसे ही मायो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ये सारे कॉजेस जो है वो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन से रिलेटेड है सेकेंडरी हाइपर यूरिसेमिया के लिए. वैसे ही रिड्यूस्ड रीनल एक्सक्रीशन की बात करें तो इट कैन बी आइदर ड्रग इंड्यूस्ड, डायुरेटिक्स का यूज करने की वजह से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसको क्लियर करने के लिए फ्लूइड चाहिए, और वो फ्लूइड जो है वो डायुरेटिक्स की वजह से उसका रैपिड लॉस हो गया है, इसलिए यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्लड में इंक्रीज होगा. हाइपरलैक्टिक एसिडेमिया, लैक्टिक एसिडेमिया क्या करेगा, ब्लड के पीएच को लोअर करेगा, और लोअर पीएच ऑफ द ब्लड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी वही है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से भी एसिडोसिस हो रहा है, ब्लड का पीएच डाउन हो रहा है, और अगेन वो जो है क्रिस्टल्स का प्रेसिपिटेशन एग्रीवेट कर रहा है. और फिर है कुछ किडनी डिजीजेस, जैसे कि इंट्रिंसिक किडनी डिजीजेस और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस, तो दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी हाइपर यूरिसेमिया. रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इट यूजुअली बिगिंस इन थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ. ये जो डिजीज जो है वो मेनली थर्ड डिकेड में शुरू होता है. और मेल फीमेल का रेशियो देखे तो मेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप दिस डिजीज कंपेयर टू फीमेल्स, और ये रेशियो 4:1 है. फीमेल्स अफेक्ट होती हैं, लेकिन जनरली फीमेल्स जो है आफ्टर मेनोपॉज ही डेवलप करती हैं हाइपर यूरिसेमिया या तो गाउट. कुछ डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडेमिया, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं इस डिजीज के लिए. वैसे ही ट्रोमा, सर्जरी, स्टार्वेशन, डिहाइड्रेशन और जेनेटिक इनहेरिटेंस,
ये मेन रिस्क फैक्टर्स है इस डिजीज के मैनिफेस्ट होने के लिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो जनरली इसमें 90% ऑफ केसेस में ग्रेट टो जो है वो अफेक्ट होता है, मतलब फर्स्ट मेटानासोफेरेंजियल जॉइंट्स जो है वो अफेक्ट होता है। होता क्या है कि ये अटैक जो आता है वो जनरली मिडनाइट में आता है, पेशेंट सो रहा होता है और सडनली पेशेंट नींद से उठ जाता है क्योंकि पेशेंट को सीवियर पेन, एक्सक्रूसिएटिंग पेन फील होता है ग्रेट टो में। पेशेंट को लगता है कि जैसे उसका ग्रेट टो जो है वो किसी ने फायर पे रख दिया हो, इतना बर्निंग, इतना सीवियर बर्निंग सेंसेशन उसको होता है। ये पर्सन जो है इवन बेडशीट, थीन बेडशीट का वेट भी, उसका टच भी टॉलरेट नहीं कर पाता है ये ग्रेट टो पे, या तो जो भी जॉइंट अफेक्ट होता है उस जॉइंट पे। ये पेन जो है वो कुछ घंटों में ही बहुत सीवियर हो जाता है और कुछ दिन तक या तो कुछ वीक्स तक ये पेन रहता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक्चुअली इस जॉइंट में देखने को मिलता है। तो मेनली 90% ऑफ केसेस में तो ग्रेट टो अफेक्ट होता है, इसके अलावा एंकल जॉइंट या तो नी जॉइंट भी अफेक्ट हो सकता है, एंड लेस कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट्स आर रिस्ट एंड एल्बो। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो 90% ऑफ केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट में ही डिपॉजिट होते हैं, तो क्यों फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट? तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है एक्चुअली, दिस इज अगेन रिपीटेशन। तो फॉरमोस्ट कॉज इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्रिस्टल्स जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या होंगे, प्रिसिपिटेट होंगे, डिपॉजिट होंगे, एक्युमुलेट होंगे। जहां पे भी स्लो ब्लड फ्लो है, जैसे स्मॉल जॉइंट से वहां पे ब्लड फ्लो जो होता है वो कम होता है, तो स्लो ब्लड फ्लो की वजह से भी वो वहां पे डिपॉजिट होते हैं। और तीसरी चीज है लोअर पीएच ड्यू टू रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो ग्रेविटी की वजह से वो क्रिस्टल्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं, फिर एक्यूट इंफ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होती है, और एक्यूट इंफ्लामेशन के तहत वहां पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज होता है, और लैक्टिक एसिड जो है वो वहां का पीएच उसको डाउन करता है, और पीएच डाउन होगा तो वो एग्रीवेट करेगा क्रिस्टल्स के प्रिसिपिटेशन को, तो वहां पे मोर एंड मोर क्रिस्टल्स विल गेट डिपोजिटेड, विल गेट प्रिसिपिटेटेड। इसीलिए फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट ग्रेट टो इज मेनली अफेक्टेड। व्हाई एट नाइट, रात को ही अटैक क्यों आता है? तो रात को जब हम सो रहे होते हैं तो बॉडी टेम्परेचर हमारा जो होता है वो लो होता है, तो लो बॉडी टेम्परेचर अगेन इज फेवरेबल कॉज फॉर प्रिसिपिटेशन ऑफ दीज क्रिस्टल्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो गाउटी आर्थराइटिस एक्चुअली क्रिस्टलाइन आर्थराइटिस है। क्रिस्टलाइन क्यों है? क्योंकि वहां पे यूरिक एसिड जो है वो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होता है और उसी का फिर डिपोजिशन होता है जॉइंट्स में। इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस है क्योंकि क्रिस्टल्स के डिपोजिशन से एक्यूट इंफ्लामेटरी प्रोसेस एक्टिवेट होती है, इसलिए वो इंफ्लामेटरी है। एसिमेट्रिकल है, कभी भी सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन आपको इस आर्थराइटिस में नहीं देखने को मिलेगा। मेनली एसिमेट्रिकल है, मतलब किसी भी एक तरफ की एक्सट्रीमिटी के जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मोनो आर्थराइटिस, मेनली एक ही जॉइंट जो है वो अफेक्ट होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला जॉइंट कौन सा है? फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट जो कि ग्रेट टो है। उसके अलावा एंकल जॉइंट या तो नी जॉइंट भी अफेक्ट हो सकते हैं। अब ये आर्थराइटिस जो है वो कैटेगराइज हम कर सकते हैं एक्यूट आर्थराइटिस और क्रोनिक आर्थराइटिस में। हम आगे जब स्टेजेस देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। इट कैन बी आदर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमने देखा था कि प्राइमरी हाइपर यूरिसेमिया या तो सेकेंडरी हाइपर यूरिसेमिया ये रीजन हो सकता है। इट कैन बी आदर ओवर प्रोड्यूसर और अंडर एक्सक्रीटर एक्सक्रीटर्स। तो
कुछ कॉजेज ऐसे हैं जो कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, और कुछ कॉजेज ऐसे हैं जो कि यूरिक एसिड का क्लियरेंस जो है, एक्सक्रीशन जो है वो कम करते हैं। तो ऐसे इसका कैटेगराइजेशन है इस डिजीज का। मेन अगर कार्डिनल साइन इस डिजीज की हम देखें तो पेन एंड स्वेलिंग, एक्चुअली इन्फ्लामेशन की सारी साइंस अफेक्टेड जॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगी। पेन होगा, स्वेलिंग होगा, टेंडरनेस होगी, रेड कलर का हो जाएगा जॉइंट, और मोशन जो है, मूवमेंट जो है वो जॉइंट की, वो भी लूज करेगा पेशेंट। कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेशेंट में एक्सपीरियंस लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। जनरली अटैक जो है वो मिडनाइट में आता है, पेशेंट को नींद से उठा देता है, और पेशेंट जो है उसको ऐसे फील होता है कि जैसे उसका थंब जो है वो किसी ने आग पे रख दिया हो, इतना बर्निंग, सीवियर बर्निंग सेंसेशन उसको होता है। ऐसे ही बहुत सारे बार बार अटैक आते रहते हैं, और ये क्रोनिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है डिजीज। ऐसे में अगर हम ड्यूरिंग अटैक अगर हम साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करते हैं तो WBCs जो होते हैं वो 2000 से ज्यादा और 10,000 से कम रहते हैं इस डिजीज में, और प्रीडोमिनेंटली WBCs में भी न्यूट्रोफिल्स की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी साइनोवियल फ्लूइड में। और हाँ, साइनोवियल फ्लूइड में जैसे मैंने आपको बताया था कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का प्रेजेंस आपको ल्यूकोसाइट्स में देखने को मिलेगा। ESR-CRP की अगर हम बात करें तो वो एलिवेट होंगे इस डिजीज में क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ गाउट। अगर हम गाउट के स्टेजेस की बात करें तो टोटल 5 स्टेजेस है। फर्स्ट इज एसिम्प्टोमेटिक फेज, जिसमें कोई भी सिम्टम्स पेशेंट जो है वो रिवील नहीं करता है, मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। सेकेंड इज एक्यूट गाउट, थर्ड इज क्रोनिक टोफेशियस गाउट, फोर्थ इज एडवांस क्रोनिक टोफेशियस गाउट, एंड द फिफ्थ इज रीनल लीजन्स। एसिम्प्टोमेटिक फेज में क्या होता है कि हाइपर यूरिसेमिया तो है लेकिन पेशेंट में कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि हाइपर यूरिसेमिया डजंट मीन गाउट। द रिस्क ऑफ गाउट ऑफकोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे गाउट के चांसेस ऑफकोर्स बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मल यूरिक एसिड होने के बावजूद भी आपको ये गाउटी आर्थराइटिस के अटैक्स एक्सपीरियंस करेगा पेशेंट। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनका यूरिक एसिड तो बहुत बढ़ा हुआ है लेकिन वो कभी भी ऐसे सिम्टम्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करते। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि हाइपर यूरिसेमिया डजंट मीन गाउट। एक्यूट गाउट में क्या होता है, जैसे मैंने बताया आगे हमने जो पूरा प्रेजेंटेशन देखा वो एक्चुअली एक्यूट गाउट का ही है। पेनफुल कंडीशन है जिसमें बिग टो, नी या एंकल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। थ्रोबिंग, क्रशिंग, एक्सक्रूसिएटिंग पेन, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, जॉइंट जो होता है वो वॉर्म रेड हो जाता है, लो ग्रेड फीवर पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, मिडनाइट में ये अटैक आता है जो 2 से 4 घंटे में एकदम बढ़ जाता है, और 2 से 10 दिन तक ये पेशेंट एक्सपीरियंस करता है इसके सिम्टम्स। और जैसे ही ये अटैक कंप्लीट होता है तो जॉइंट्स आर नॉर्मल विद नो सिम्टम्स इन बिटवीन द अटैक। ये अटैक बाद में फिर से आ सकता है लेकिन इन बिटवीन द अटैक्स the person has no symptoms, no any symptoms, no any discomfort felt in joints. The attack may go away in a few days or few weeks but may return from time to time. Additional attacks often last longer. After a first gouty attack
पहला जिसको गाउट अटैक आता है उसमें से 50% केसेस में फिर से कभी सिम्टम्स नहीं आते हैं, पेशेंट सेकंड अटैक कभी एक्सपीरियंस नहीं करता है, और 50% ऑफ केसेस में अनदर अटैक द पेशेंट में एक्सपीरियंस मोर अटैक्स. कॉमन साइट्स फॉर एक्यूट फ्लेयर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 90% ऑफ केसेस में तो ग्रेट टो ही है. इसके अलावा एंकल हो सकता है, नी जॉइंट हो सकता है, लेस कॉमनली अफेक्टेड रिस्ट, फिंगर्स एंड एल्बो, लाइक क्रेन एंड बर्सा एटसेट्रा. ये कुछ पिक्चर्स हैं एक्यूट गाउट आर्थराइटिस के जिसमें ग्रेट टो जो है फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हुआ है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेट टो जो है वो रेड है, स्वोलन है, वो टेंडर होगा, है ना, और मोशन मतलब मूवमेंट भी ठीक से नहीं हो पाएगी इस जॉइंट की. ये जिसमें कि फिंगर्स इन्वॉल्व हुई है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए. तीसरा स्टेज है क्रोनिक टोफेशियस गाउट. नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे टोफाई जो है वो डेवलप होगी. अब एक्यूट आर्थराइटिस के ऐसे बार बार अटैक आएंगे तो वो कन्वर्ट होगा क्रोनिक आर्थराइटिस में, और बहुत साल तक अगर ऐसे अटैक आ गए उसके बाद ही टोफाई का एक्चुअली फॉर्मेशन होता है. फिर क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल्स जो है वो डिपोजिट होके एग्रीगेट होंगे और टोफाई का फॉर्मेशन करेंगे, और ऑफ कोर्स इंफ्लामेटरी रिएक्शन बढ़ेगा. तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने चेंजेस देखे थे, सिनोवियल प्रोलिफरेशन होगा, पेनस फॉर्मेशन होगा, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होगा आर्टिकुलर कार्टिलेज का और सबकॉन्ड्रल बोन. तो ये जो है वो टोफाई है, ठीक है. अब ऐसा है कि इस फेज में जॉइंट पेन जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द डे. जॉइंट डैमेज हो जाता है, मोशन भी जो होती है मतलब मूवमेंट वो जॉइंट की बहुत कम हो जाती है. अ फोर्थ स्टेज है एडवांस्ड क्रोनिक टोफेशियस गाउट. अक्यूट अटैक्स बार बार आके क्या होता है क्रोनिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है और वहां पे टोफाई डेवलप होती है, तो हम उसको बोलते हैं क्रोनिक टोफेशियस गाउट. अब ये है एडवांस्ड क्रोनिक टोफेशियस गाउट. तो इसमें जो टोफाई डेवलप हुई वो क्या है कि यहाँ पे मैसिव डिपोजिट होगा क्रिस्टल्स का जॉइंट और जॉइंट के पेरिफेरी में, जैसे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, सबकॉन्ड्रल बोन में, साइनोवियल मेम्ब्रेन में, कैप्सूल में, टेंडन शीट, पेरिआर्टिकुलर टिश्यूज में ये क्रिस्टल्स जो है वो मैसिवली एक्युमुलेट होंगे, डिपोजिट होंगे. लेकिन जॉइंट और जॉइंट पेरिफरी ऑफ द जॉइंट के अलावा और भी कुछ एरियाज है जहाँ पे ये टोफाई का फॉर्मेशन होगा, और वो साइट्स कौन कौन सी हैं, तो आईलिड्स, नेसल कार्टिलेज, कॉर्निया, टंग, वोकल कॉर्ड्स, पैनीस, और आप यहाँ पे देख रहे हो ईयर का ये जो पीना वाला पार्ट है वहां पे भी आपको टोफाई फॉर्मेशन देखने को मिल सकता. टोफाई कैन बी सीन क्लिनिकली विथ ऑब्वियस डिफॉर्मिटी डेमोन्स्ट्रेटेड इन हैंड्स एंड फुट. टोफाई के साथ साथ इस स्टेज में आपको हाथ और पैर की ऑब्वियस डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलेगी, और एक्सरे की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे बोनी डिस्ट्रक्शन भी टोफाई के साथ एसोसिएटेड होगा. ये जो है वो बोनी डिस्ट्रक्शन शो कर रहा है, ठीक है. जैसे जैसे ये टोफा एनलार्ज होते हैं साइज में, वैसे वो कैल्सीफाई होते हैं और प्रेशर सिम्टम्स कोज करते हैं. ये टोफा जो है दे आर फॉर्म येलो इन कलर एंड ओकेजनली दे में डिस्चार्ज चोकी मटेरियल. अब इसके बाद हाँ ये देखिए ये ग्रोस अपियरेंस है टोफा का, ठीक है. फिफ्थ स्टेज इज रीनल लीजन्स. अब
क्रोनिक आर्थराइट क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व्स द किडनीज और किडनी में ये तीन तरह के लीजन्स क्रिएट कर सकता है. फर्स्ट इज एक्यूट यूरेट नेफ्रोपैथी, सेकंड इज क्रोनिक यूरेट नेफ्रोपैथी और थर्ड इज यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियसिस. एक्यूट यूरेट नेफ्रोपैथी में क्या होता है, ये जो क्रिस्टल से उसका डिपोजिशन होता है किडनी की ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, तो देयर विल बी इंट्रा ट्यूबुलर डिपोजिशन ऑफ एमएसयू क्रिस्टल्स व्हिच विल रिजल्ट इन एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी. अब ये ट्यूबुल्स में जब डिपोजिशन होता है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी को कोज करता है. वैसे ही सेकेंड फेज है क्रोनिक यूरेट नेफ्रोपैथी. क्रोनिक यूरेट नेफ्रोपैथी में क्या होगा कि ये डिपोजिशन जो है क्रिस्टल्स का वो इंटरस्टिशियल टिश्यू में होने लग जाएगा. और थर्ड स्टेज है यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियसिस, इसमें क्या होगा हाइपर यूरिसेमिया जो है वो रिजल्ट होगा हाइपर यूरिक एसिड यूरिया, मतलब यूरिक एसिड के यूरिक एसिड जो है वो यूरिन में पास आउट होने लगेगा एक्स्ट्रा इंक्रीज अमाउंट में. तो ये है हाइपर यूरिक एसिड यूरिया जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियसिस. मतलब होता क्या है कि इसमें किडनी में ना स्टोन्स बनते हैं यूरिक एसिड्स के और वो फिर ब्रेक डाउन होके यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर यूरिक एसिड यूरिया. तो ये तो बात हो गई पांच स्टेजेस की गाउट के. अब है कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है जॉइंट डिफॉर्मिटीज डेवलप होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस आते हैं जॉइंट्स में, टोफाई में प्रोड्यूस ड्रेनिंग साइनसिस दैट मे बिकम इन्फेक्टेड, रीनल स्टोन्स यूरिक एसिड के स्टोन्स आपको देखने को मिलेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल डिजीजेस, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन से गाउट के. डायग्नोस्टिक पार्ट की अगर हम बात करें तो इस डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए मेनली जो इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं वो है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, ईएसआर, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, सीआरपी, इसके बाद 24 आवर यूरिन यूरिक एसिड लेवल्स. सीबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसीज जो है वो इंक्रीज होंगे ड्यूरिंग द अटैक. अटैक के दौरान डब्ल्यूबीसीज जो है वो इंक्रीज होंगे. ईएसआर और सीआरपी इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सीरम यूरिक एसिड मेन जो है मेन बायोकेमिकल हॉलमार्क के यूरिक एसिड बढ़ेगा. अगर किडनी का इन्वॉल्वमेंट है तो सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी इंक्रीज जाएगा. एक्सरे की अगर बात करें तो अर्ली स्टेज में तो एक्सरे नॉर्मल रहता है लेकिन क्रोनिक स्टेज में टोफाई डेवलप होती है और बोनी डिस्ट्रक्शन भी होने लगता है, तो टोफाई अपीयर एज इरोडेड एरियाज ऑफ बोन. साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वो हमने देख लिया है, ये एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है इस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए. तो इसमें क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड में ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का प्रेजेंस मिलता है. और जैसे यूरिक एसिड लेवल की बात करी यूरिन में, तो जैसे हमने फिफ्थ स्टेज की बात करी नेफ्रोलिथियसिस वाला रीनल नेफ्रोलिथियसिस, तो उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के स्टोन्स जो है वो किडनी में बनने लगते हैं और फिर वो ब्रेक डाउन होके यूरिक एसिड का इंक्रीज्ड अमाउंट में यूरिन में एक्सक्रीशन होता है. साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है इस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए, जिसमें नीडल और रोड शेप, ये आप देखते हैं नीडल रोड शेप क्रिस्टल्स का प्रेजेंस मिलेगा आपको ल्यूकोसाइट्स जो कि साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट है, तो ल्यूकोसाइट्स में आपको ये क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे जो कि पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप देख सकते हैं.
और ये क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अटैक ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंटरक्रिटिकल फेज में जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट इज नॉन सिम्टोमेटिक, वहां पे आपको क्रिस्टल्स हो सकता है कि ना देखने को मिले। तो ये हो गया गाउट के बारे में। अब हम देखेंगे कि साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस के थ्रू हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस वेरियस आर्थराइटिस का कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलम जो है वो नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद नॉन इन्फ्लामेटरी जो आर्थराइटिस है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो नॉन इन्फ्लामेटरी है, ठीक है। सेकेंड है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, गाउट जो है वो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस आप करोगे तो क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और थर्ड है सेप्टिक आर्थराइटिस, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर आर्थराइटिस हुआ है तो वहां पे आपको साइनोवियल फ्लूइड में क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वेरियस आर्थराइटिस का ऑन द बेसिस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। तो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो है साइनोवियल फ्लूइड का नॉर्मली इट इज लेस देन 3.5 ml। कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, WBCs जो होते हैं उसमें लेस देन 200 पर क्यूबिक एमएम होते हैं। पॉलीमोर्फो न्यूक्लियोसाइड्स की अगर हम बात करें तो देयर प्रेजेंस इज लेस देन 25%, और कल्चर जो इसमें होगा वो नेगेटिव आएगा। नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें आपको फ्लूइड जो है वो हो सकता है कि बढ़ा हुआ मिले, मोर देन 3.5 ml। कलर जो है वो येलो होगा, ट्रांसपेरेंट होगा फ्लूइड, क्योंकि वहां पे अभी इतने अमाउंट में WBCs नहीं है कि फ्लूइड को डबिट करे। WBCs जो है वो 2000 से कम रहेंगे, PMNS जो होंगे वो लेस देन 25%, और कल्चर जो है वो नेगेटिव होगा। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस जो कि इंक्लूड करता है हमारे गाउटी आर्थराइटिस को, तो इसमें भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, मोर देन 3.5 ml। कलर जो है ये फ्लूइड का येलो टू ओपेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे WBCs का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है साइनोवियल फ्लूइड में, जिससे कि क्लैरिटी भी जो है वो उसकी ओपेक हुई है। यहाँ पे पॉलीमोर्फो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो दे आर मोर देन और इक्वल टू 50%, और कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्चर जो है नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है। सेम थिंग अगर सेप्टिक अर्थराइटिस की बात करें तो कल्चर जो है वो पॉजिटिव आएगा, अमाउंट मोर देन 3.5 ml। कलर की अगर बात करें तो येलो टू ग्रीन की तरफ हो जाएगा, क्लैरिटी ओपेक होगा, क्लियर नहीं होगा फ्लूइड, ओपेक होगा, क्योंकि यहाँ पे WBCs जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, और ये जो न्यूट्रोफिल्स जो है वो भी बहुत बड़े हुए हैं, मोर देन और इक्वल टू 75%, ठीक है। कल्चर जो है वो पॉजिटिव है। तो ये है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वेरियस आर्थराइटिस ऑन द बेसिस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने देखा कि गाउट का पेशेंट जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेके प्रेजेंट हो सकता है। सेकंड हमने देखा प्यूरिन का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। फिर हमने देखा कि यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल्स में कैसे फॉर्म मतलब कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन के लिए, क्रिस्टल मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स के डिपोजिशन के लिए या प्रेसिपिटेशन के लिए कौन से फेवरेबल फैक्टर्स है। फिर हमने गाउटी अर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी देखी, उसके बाद हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, हाइपर यूरिसेमिया के कॉजेज देखे, रिस्क फैक्टर्स देखे गाउट के। इसके अलावा हमने 5 stages देखे गाउट के, और अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, एंड लास्टली कॉम्प्लिकेशन और डायग्नोसिस पार्ट हमने इस डिजीज का कवर किया। तो आई होप गाउट के बारे में काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है गाउट से रिलेटेड या तो किसी भी आर्थराइटिस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं, जो कि आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।